हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज सो so, ये मेरा सेकंड चैनल है मेरा फर्स्ट चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन सो गाइज़ आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए एंड उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो ओके okay? सो so, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ओके सो so, चलिए अब देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है ये सबके लिए है गाइज ठीक है मैरिड अनमैरिड मैरिड सेपरेटेड सिंगल सबके लिए है आप लोग सब लोग इसे देख सकते हो तो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखे उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो चलिए देख लेते हैं जस्टिस नाइन ऑफ शॉर्ट्स ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, ओके एयर साइन वाटर साइन अर्थ साइन फायर साइन तो आप सबके लिए है ये और भी कांस देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉर्न्स ओ माई गुडनेस किंग ऑफ वॉर्न साथ में आया है दोनों कार्ड्स वाओ अमेजिंग

देखिए आपके जो पर्सन है इस वक्त जो है आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है आप लोग सेपरेटेड हो अलग अलग रह रहे हो या फिर अकेले अकेले हो अलग अलग हो मुलाकात नहीं हुई है बहुत टाइम से या डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है ऑनलाइन डेटिंग है या अभी दूर हो ठीक है बातचीत अपनी अच्छे से नहीं हो रही है तो ये पर्सन जो है आपकी राह देख रहे हैं आपको करेंटली मिस कर रहे हैं एंड आपको जस्टिस देना चाहते हैं हो सकते हैं कुछ गलतियाँ इनसे हो गई पास्ट में ठीक है तो उस चीज़ का जस्टिस जो है आपको देना चाह रहे हैं करंटली डेफिनेटली आपकी जो है ये राह देख रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि काश जो है आपके पास आ पाते सारी चीज़ों को दूर कर पाते सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर कर पाते विद नाइन ऑफ सोवर्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना है आपकी तरफ एक्शन लेना है ठीक है लेकिन हो सकता है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या फिर अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है आपको एक्सट्रीम लेवल पर ये इंसान करेंटली मिस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी है इंसान हो सकता है इस पर्सन की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी एनजाइटी इशूज़ हैं स्ट्रेस में हैं एंड ये सोच रहे हैं कि ये जब आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को ठीक है तो ये इंसान जो है मुझे दिख रहे हैं कि इनके मन में बहुत है कि इंसान जो है आपके तरफ खुद एक्शन ले खुद आए लेकिन खुद वेटिंग पर है खुद आपकी राह देख रहे हैं खुद आपका इंतजार कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्वीन ऑफ़ वॉन्ट्स एंड किंग ऑफ़ वॉन्स देखिए मैं आपको क्या ही बताऊंगा और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं उनकी नज़रें जो हैं आपकी तरफ है और आपकी भी नज़रें उनके तरफ हैं आप दोनों ही जो हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो ठीक है तो ये पर्सन जो है आपके साथ जो है फ्यूचर देख रहे हैं आपके आपके लिए ड्रीम्स देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आप लोग सिंगल हो रिलेशनशिप में हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ऑलरेडी वाइफ या हस्बैंड हो और से अलग हो कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली में से कोई एक मेंबर गायब सा है इनकी कुछ कमी सा महसूस हो रहा है अगर आप लोग मैरिड हो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे लीगल इश्यूज थे या फैमिली प्रॉब्लम्स थे तो ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आप दोनों का फ्यूचर ये देख रहे हैं आपके साथ ही ये ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली आपके बारे में इंसान सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि जब इनको आपके साथ ही फ्यूचर बनाना है जब ये आपके बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं तो ये इंसान जो है क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ ठीक है हो सकता है कि इनकी कोई मैंटेटी या इनका कोई सिचुएशन इन्हें रोक रहा है हैं आपके तरफ आने से लेकिन ये दिल से आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि द हाई प्रिस्टेस एंड डेथ का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि इस पर्सन की जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है हो सकता है पास में इंसान जो है आप दोनों के लव को एक्सेप्ट नहीं करते थे या दिमाग से बहुत सोचते थे तो अब ये जो है दिल से भी सोचने लग गए हैं तो अपना दिल का दिमाग इंसान इन्सा, इन्सा, इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ये इंसान विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक बदलाव आए एक ट्रांसफॉर्मेशन आए ये भी हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं इस पर्सन को समझ आ चुका है आप दोनों की कनेक्शन की सच्चाई एंड इस पर्सन के एनर्जी में भी आ, चेंज आया है ट्रांसफॉर्मेशन आया है नेगेटिविटी से निकल कर ये इंसान पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं एंड ये चाह रहे हैं कि आ, आप इनको फिर से मिल जाओ बिकॉज हो सकता है कि इंसान इस रूप में आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो एंड आप इनकी लाइफ जो हो चेंज कर सकते हो सो so, कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं करेंटली मुझे नहीं दिख रहा है कि करेंटली जो है बाकी चीज़ों में भी इनका ध्यान है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त और आपके तरफ दिल से आना चाहते हैं ट्रस्ट मी गाइज ये दिल से आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनको कोई एक चीज़ सता रही है हो सकता है आप दोनों के बीच की पास्ट इश्यूज़ इन्हें आने से रोक रही हो या इनकी अगर हो सकते ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो सकते हैं किसी किसी के लिए और अगर सिंगल है तो हो सकता है कोई इनका सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है जिसकी वजह से इंसान आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ ठीक है बट आप दोनों के कनेक्शन में ये बदलाव चाहते हैं एक चांस ये चाहते हैं आपसे ठीक है कि आप उन्हें और एक मौका दो ये चीज़ों को ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर टेन तो डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि पास की चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है इंसान अगर आप लोग अभी अलग अलग रह रहे हो या बातचीत नहीं हो रही है नो कॉन्टैक्ट है दोनों चुप हो गए हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इनके दिल में दिमाग में तूफ़ान आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो गई या ऐसा नहीं होना चाहिए था इतना अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें क्यों बिखर गई ठीक है इसमें मेरी शायद गलती थी तो ये सब चीज़ों को इंसान जो है अभी रियलाइज़ कर रहे हैं सोच रहे हैं बहुत गॉडस ऑफ द मून नंबर फिफ्टी टू तो देखिए डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपको पाना चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है इनके मदर इशूज़ भी कुछ हो, हो सकता है इनकी मदर नहीं चाहती ठीक है या फिर uh, इनके ऊपर किसी एक फैमिली मेबर का इन्फ्लुएंस हो जिसकी वजह से ये इंसान जो तो है कन्फ्यूज हो जाते हैं डाउट में रह जाते हैं और ये डरते हैं आपके तरफ आने से आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाने से या फिर आपको कमिटमेंट देने से ठीक है किसी के फैमिली प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि इंसान थोड़े तो से तो टेंस रहते हैं कि ये चीज़ों को कैसे करेंगे कैसे आपको फेस करेंगे तो थोड़े डाउट्स इनके माइंड में हैं अभी भी Uh, चक्र सोएन चक्रर्कूडियो नंबर फोर्टी वन देखिए डाउट्स तो इनके मन में है लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इनमें रिलीज़ आया है अगर ये बहुत स्टॉक कन्फ्यूज इन डिसाइसिव रहते थे तो उस स्टॉक एनर्जी से इंसान इन, निकल रहे हैं इनको अब सोचने की क्षमता इनकी बढ़ रही है अब ये क्लियरली अब दोनों के रिश्तों को लेकर सोच पा रहे हैं इनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे इनके अंदर वो समझ आ रही है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना था क्या गलतियाँ इनसे हुई इन्हें क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कौन सा डिसीजन इन्हें लेना चाहिए तो बहुत हद तक इनके कन्फ्यूजन दूर हुए हैं बट अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में बचे हुए हैं एंजल ऑफ़ बैलेंस इन रिवर्स नंबर फोर्टी एट तो देखिए थोड़ी सी बैलेंस की कमी इस पर्सन के आ, आ, लाइफ में है ठीक है तो हो सकता है कि थोड़े से जो है या भी बैलेंसड है जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान की जो तबीयत है वो भी ठीक कुछ इंबैलेंसेस हैं हो सकता है कि लाइफ में ये पूरे पूरे तरीके से सेटल नहीं है थोड़े स्ट्रगल्स कर रहे हैं किसी तरह का सक्सेस इन्हें चाहिए या किसी तरह के फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं वो हो सकता है नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो है ये थोड़े से इम्बैलेंस फील कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके रिश्ते में भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं फिर आप दोनों के कनेक्शन में भी इतना स्ट्रांग इमोशंस होने के बावजूद भी चीज़ें बैलेंस में नहीं हो पा रही हैं बॉटम द डेक्स हमारे पास रेस्ट एंड रिज्यूनेशन नंबर नाइनटीन तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो इस पर्सन के एजेस ट्वेंटी फाइव फोटी वन थर्टी फाइव नाइनटीन 21, 26, 28, 32, 36, 35, 38 किसी किसी के लिए हो सकती है ठीक है सबके लिए नहीं एंड हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हों डबल टू डबल टेन ठीक है वन टू टू वन ऐसे ओके okay? ऐसे भी नंबर्स उसके दिख सकते हैं सो so, जो भी है तो so, यहाँ पे लग रहा है मुझे आपके जो तो पर्सन है थोड़े से इन्होंने स्पेस बना के रखा हुआ है थोड़े से अपने अंदर में ये इंसान झांक रहे हैं जिसके वजह से हो सकता है कि इन्हें अब महसूस हो रहा है कि डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में इनको जो है एफर्ट्स डालने चाहिए थे हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको या फिर ये इंसान जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके माइंड्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहे हैं थोड़ा सा टाइम अगर ये आपसे दूर हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्परिचुअल वर्क कर रहे हो या स्पिरिचुअली अवेखन हो रहे हो जिसके वजह से ये जो इंसान है आपसे दूर रह के ही चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आपकी इंपॉर्टेंस को इंसान समझ पा रहे हैं ओके तो चलिए अब हम उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो जो हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं करेंटली उनके करेंट फीलिंग्स क्या हैं और भी ज्यादा हम देख लेते हैं सो so, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको और भी क्या कहना चाहते हैं चलिए तो सबसे पहले है इट्स अ नो फॉर नाउ एट लीस्ट वी शुड टेक सम टाइम तो अभी के लिए हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इंबैलेंसेस है इनके लाइफ में ये थोड़ा सा टाइम आपसे मांग रहे हैं फिर हमारे पास आई लव यू ट्रूली एंड आई वांट टू मूव टुवर्ड्स यू अगेन तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे सही में प्यार करते हैं आपकी तरफ आना भी चाहते हैं ये इंसान ये कह रहे हैं इनके दिल में है ये चीज़ आई मिस यू एवरी डे आई कांट स्लीप आई क्राई फॉर यू आई कांट हैव पीस विदाउट यू तो डेफिनेटली बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है तो आपके बिना इनके लाइफ में उतना ज़्यादा पीस नहीं है उतना ज़्यादा खुश नहीं है दिल से ये हो सकता है रोते भी हों परेशान हो जाते हूँ ठीक है तो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा फिर आई वॉन्ट टू हैव ए क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू तो ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं कन्वर्सेशन तो ये चाहते हैं आपसे यू डोंट डिजर्व मी आई माई जब तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग नहीं है या ये, ये इंसान जो है इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो ये आपके लाइक नहीं है फिर है आई एम टॉक्सिक आई एम सेल्फिस वट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनको पता है कि ये सेल्फिश हैं टॉक्सिक हैं ये बस अपने बारे में सोचते हैं लेकिन ये जो है आपको जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहते हैं फिर आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू कॉन्ट यू भी देर सिक्स नाइन का यहाँ पर है नाइन सिक्स यहाँ पर सोलमेट्स आप लोग हो सकते हो ट्विन फिल्म कुछ लोग हो सकते हो तो डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इनको टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो ठीक है तो थोड़ा ये इंसान जो है आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट करते हैं इनसिक्योर भी हैं सो so गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आए अगर पसंद आए रि हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज तब तक के लिए बाय